समाजवादी कुनबे में कलह पर पहली बार मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता ने सफाई दी है। मीडिया से बात करते हुए साधना गुप्ता ने कहा कि कुछ लोगों ने घर को बर्बाद किया है। साधना ने मांग की कि शिवपाल यादव को पार्टी में पद मिलना चाहिए। शिवपाल यादव ने नेताजी का पूरा साथ दिया। साधना ने यह भी कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था अखिलेश बागी हो जाएंगे। हालांकि साधना ने यह भी कहा कि मैं चाहती हूं कि चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हो। सामने नहीं आए, वो नेताजी ने नहीं आने दिया, वो नहीं चाहते थे कि हम आए। तो पीछे से तो काम करते रहे लेकिन सामने नहीं आए। कैसे आप सहयोग करते रहे नेताजी के परिवार को, कैसे सहयोग राजनीति में कुछ सलाह देते थे करते थे? राजनीति में भी सलाह दी है और सोशल भी सलाह दी है, परिवार में भी सलाह दी है। परिवार को एक रखा है, धर्मेंद्र को एमपी बनाया है, अखिलेश को एमपी बनाया है, ये सब काम किए हैं पर छुप के किए। तो आप बहुत ब्लाइंड करते थे, कभी आपका मन नहीं किया आप सामने आए? हाँ करता था, लगता था कि हम जब कर सकते तो हम सामने क्यों नहीं आते हैं, लगता था। क्या कभी नहीं थी इस बारे में आपने कहा? हाँ कई बार कहा मैंने, तो वो ही कहते थे कि हम हैं तो करने के लिए। अब आपको लगता है वक्त है, जरूरत है आपको आना चाहिए? हाँ मुझे लगता है कि अब जरूरत है। क्या जरूरत है, आप राजनीति में आना पसंद करेंगे सीधे? क्योंकि किस तरीके से आप लोगों को समाज को फायदा दे पाएंगे आपको लग रहा है? राजनीति में तो हम नहीं आना चाहते हैं लेकिन सोशल वर्क अब हम खुल के करना चाहते हैं। आपको लगता है, आपको नहीं लगता कि आपको भी एमपी या राज्यसभा वगैरह जाना चाहिए? क्योंकि आप अगर उससे ज्यादा बेहतर लोगों को मदद चाहते हैं। हमारा बेटा जाए, प्रतीक जाए, हम नहीं चाहते अपने लिए। गैंगरेप के आरोपी अखिलेश सरकार की मंत्री गायत्री प्रजापति के दो और साथियों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले सह आरोपी सिपाही चंद्रपाल गिरफ्तार हो चुका है, वो प्रजापति का गनर है। इसके साथ ही गायत्री मामले में अब तक तीन लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, तो वही खबर है कि गायत्री प्रजापति की भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है या वो खुद ही सरेंडर कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने गायत्री प्रजापति की लोकेशन पता कर ली है। महिला को मैं नहीं जानता, महिला कभी कभार जो है आम जनता की तरफ वो भी आती थी। आरोप झूठा लगा रही है, खाली पैसा देने के लिए उसने आरोप लगाया। क्या पैसे की कोई मांग वांग की थी क्या उसने? मैं तो छोटा सा कर्मचारी हूँ, मुझसे क्या पैसा लिया? तुम्हारा भी नाम उसने लिया है क्या? उसने ले लिया कि मंत्री के हम बहुत करीबी थे, उसके दिमाग में ये थी कि शायद ये भी पैसा कमाता होगा। मैं तो मंत्री का सेट हूँ, मैं तो छोटा सा कर्मचारी, मेरा तो ड्यूटी है कि मंत्री की साय की तरह मंत्री के पीछे रहना। गायत्री प्रजापति को लेकर यूपी की सरकार घिरी है विपक्ष के आरोपों के बीच। एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने गायत्री प्रजापति का बचाव किया। सोमवार को एक चुनावी रैली के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंत्री पर रेप का आरोप कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी जी की सरकार में भी ऐसे मंत्री रहे हैं जिनके खिलाफ रेप का मामला दर्ज है। आपको बता दें कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद केस दर्ज हुआ है लेकिन वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। गायत्री को यादव परिवार का बेहद करीबी माना जाता है। अभी सुनने में आ रहा है कि गायत्री प्रजापति पर जो आरोप लगे हैं उसके बाद भी उन्हें मंत्रिमंडल से अभी तक नहीं हटाया गया, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, इस पे कोई बड़ी बात नहीं है। और एक मोदी जी के मंत्रिमंडल में दो साल तक मंत्री रहे आरोपी वहाँ के राजस्थान के, तो ये इस तरह की बात है नहीं। देश की जनता का ये चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में बहुत सी समस्याएं, उन समस्याओं पर बहस होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को गायत्री प्रजापति के अलावा कोई दूसरा नहीं मिला। महाराष्ट्र में किसानों ने आज प्याज के साथ प्रदर्शन किया। मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों की कार पर प्याज और दालें फेंकी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज सत्र का दूसरा दिन है। अपनी बदहाली को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि उन्हें उनके उत्पादों की सही कीमत नहीं मिलती है, साथ ही किसानों ने आंदोलन की धमकी भी दी है। आगरा की मासूम बेबो के परिवार ने प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। बेबो को खून का कैंसर यानी कि थैलेसीमिया नाम की एक गंभीर बीमारी है। बच्ची बीते 3 साल से इस बीमारी से जूझ रही है। बीमारी के चलते कुछ दिनों बाद शरीर का खून खत्म हो जाता है। हर 15 से 20 दिन में उसका खून खत्म हो जाता है। ब्लड
फिर उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है और ऊपर से महीने भर की दवाओं का खर्च अलग से है। ऐसे में इस परिवार को ये इलाज बेहद महंगा पड़ा है और अब इस मासूम के मजबूर पिता ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें उसने बेटी के इलाज के लिए मदद की मांग की है। भैया इसका नाम भी वो है और ये 3 साल से परेशान है, थैलेसीमिया से जी है ये। डॉक्टर साहब ने बताया था जब से ये ब्लड ब्लड की चढ़वाते रहते हैं तब तक चलती रहती है, ब्लड खत्म हो जाता है तो फिर दिक्कत देती है, तो इस वजह से बड़ा दिक्कत होती है। और इतनी अपनी इनकम है नहीं जो कि बाहर कहीं दिखा सकें, जो भी यहीं एक हमारे डॉक्टर साहब मिलने वाले तो वो ब्लड ब्लड के लिए करवा देते हैं। पीएम मोदी जी के लिए लिखा है मैं मेरी बेटी को बचा लिया जाए और वो अपनी मुहिम चला रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसी के अंतर्गत लिखा था। तो वो पढ़ना भी चाहती है, बोलती भी है, लेकिन कुछ शर्मा रही है इस वजह से कुछ नहीं बोलना चाहिए। कब से दिक्कत है इसको? ये 3 साल से दिक्कत है। पीएम जी से गुजारिश करना चाहता हूँ मेरी बेटी को इलाज किया करवाया जाए और थोड़ी सी जो भी है जो कर सकते हैं। मेरी बेटी की है ना थैलेसीमिया है ना, लेट की वो है और मेरे पति जो कमाते हैं जो इतनी तनख्वाह है नहीं है। क्या कहते हैं आपके पति? बैंक चलाते हैं स्कूल में। अच्छा, हल्के बुला रहा हूं। और ना मेरे जो जो कमा के लाते हैं सो दवाई में चलाया था, घर का खर्चा चलता नहीं है और मैं अपनी बेटी को बचाना चाहती हूँ। मोदी जी से आग्रह करती हूँ मेरी बच्ची को बचाएं। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान में करोड़ों रुपए चंदे से इकट्ठा कर रहे हैं। एनआईए के अफसर अतुल गोयल के मुताबिक 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक फलाह इंसानियत फाउंडेशन के जरिए इन आतंकी संगठनों ने करीब 50 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे जिनका इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए किया हुआ है। अम्बेडकर नगर की आलापुर विधानसभा सीट पर 9 मार्च को वोटिंग है। एसपी प्रत्याशी चंद्रशेखर कन्नौजिया की मौत की वजह से यहां पर मतदान स्थगित हो गया था और इस सीट पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी थी। आजादी के 70 साल बाद भी ये इलाका मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। लोगों की माने तो यहां पर रोजगार का कोई भी साधन नहीं है, ज्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर है, अस्पताल की सुविधा यहाँ ना के बराबर है। इस तरह का विकास हो, रोडें हमारे विधानसभा की ठीक ठाक हैं, स्कूल भी हैं, अस्पताल की कमी है, अभी थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है अस्पताल के लिए लोगों को। एक ही अस्पताल है जहाँगीरगंज यातवा त्रोलिया में, इधर अभी नज़दीक में नहीं है कोई अस्पताल। ये पैसा लेवे के माले नौकरी खाते सब दौड़ है मरब है और क्या कहूँ का भलाई अब करे वाला बात है ना, वही कोई देश ऐसे ऐसे कब खत्म हो जाए मालूम होना। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक 16 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम करोज है और उसकी हत्या का आरोप उसी के बचपन के दोस्त गोलू पर लगा है। बताया जा रहा है कि करोज रोज की तरह अपने दोस्तों के साथ मार्केट घूमने निकला था, वहीं रास्ते में उसे उसका दोस्त गोलू मिला, बाद बात में दोनों में झगड़ा हुआ। आपको बता दें ये बात इतनी बढ़ गई कि गोलू ने करोज को गोली मार दी। करोज को फौरन अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। लोग आके यहाँ मार्केट में वहाँ बैठ के बात कर रहे थे, उससे वो लड़का निकला पाछे से तो उसने बुलाया करा इधर आ, तो ये गया उठ के तो उसने मतलब लड़ाई के मूड से वो लोग आए हुए थे तो उसने इसका कॉलर पकड़ लिया, तो इसने भी बदले में कॉलर पकड़ लिया, तो उतने में भी क्या किया उसने तमाचा मार दिया इसके, तो ये कॉलर अलग धक्का मुक्की हुई तो उसने तुरंत निकाला सामान। हम लोग ने पहले आए छुटाया, पहले छूट गया, फिर हमने चलो मैटर सॉल्व हो गया, फिर हम लोग दूर हट गए, फिर अचानक उसने पीछे जैसे गाड़ी में बैठने चला उसने निकाल के मार के और गाड़ी उसने स्टार्ट की लड़के ने जिसके पाछे दी तो तुरंत वो लोग भाग गए। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में जो मसवानपुर एरिया है वहाँ पे जो है एक व्यक्ति को जिसका नाम करोज है उसको कुछ लोगों ने गोली मार दी है, उसकी अभी मृत्यु हो गई है और प्रारंभिक जो अभी जांच हुई है उसमें जो है कि एक गुरु कसम नाम के व्यक्ति का नाम आ रहा है। बाकी हम लोग और भी देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या किस कैसे इन्वॉल्वमेंट है, किस लेवल तक है। बाकी इनके जो है गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई और इनकी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। गुरुग्राम में पुराने नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कार से 14,36,000 रुपए की पुरानी करेंसी जब्त की। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। बैतूल
स्कूल में डॉक्टर दुल्हा दुल्हन ने मानवता की मिसाल पेश की है। दोनों अपनी बारात को रोककर सड़क हादसे में घायल लोगों का इलाज करने में जुट गए। बैतूल से 7 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर आज एक सड़क हादसा हो गया और उसी वक्त वहां से एक बारात गुजर रही थी जिसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों डॉक्टर थे। दोनों डॉक्टर दूल्हा दुल्हन ने सारी बातों को दरकिनार करते हुए बीच में ही अपनी बारात को रुकवाया और घायलों का इलाज करने में जुट गए। शाजापुर में ट्रेन में मोबाइल फटने से 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जब भी रेलवे स्टेशन के पास भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में मोबाइल फट गया जिसके तुरंत बाद ट्रेन रोक दी गई। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए। पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि ट्रेन में कोई विस्फोटक नहीं था और मोबाइल फटने और उसके बाद हुई अफरा तफरी में 6 लोग घायल हुए। ब्लास्ट के कारण का हमको नहीं मालूम हुआ है, ये हमारे डिवीजन में भी नहीं पड़ता है और ये रतलाम डिवीजन में पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ से जो पैसेंजर 8:10 पर रवाना हुई थी और ये 9:55 पर वहाँ पहुँची है जबड़ी स्टेशन। जैसे ही ये जबड़ी स्टेशन से मैं रवाना हुई इसमें ब्लास्ट हो गया। अभी जो इनिशियल हम लोगों को जानकारी मिल रही है उसमें ये मालूम हुआ है कि 3-4 लोग इसमें घायल हुए हैं, उनको काला पीपल के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ये गार्ड से आगे वाला कोच था उसमें ऐसा हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने घटना पर दुख जताया और मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश के दमोह से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मड़ियादो थाना इलाके के वर्धा गांव में एक महिला ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है। मिडडे मील बनाने वाली इस महिला का आरोप है कि एक अधिकारी ने न सिर्फ उससे रिश्वत की मांग कर रहा था बल्कि उन पर शारीरिक संबंध बनाने का भी दबाव बनाया जा रहा था। मिडडे मील बनाने के लिए यहाँ एक महिला स्व सहायता समूह को ठेका दिया गया, लेकिन पिछले कुछ महीनों से समूह की महिलाओं को पैसे ही नहीं दिए गए। इस संबंध में समूह की एक महिला ने अधिकारी से गुहार लगाने पहुंची तो अधिकारी की गंदी नजर इस महिला पर पड़ गई। अशोक राठौर नाम का ये शख्स जिला पंचायत दमोह में परियोजना अधिकारी के तौर पर तैनात है। मिडडे मील बनाने वाली महिला का आरोप है कि परियोजना अधिकारी अशोक राठौर ने उसे दमोह बुलाया था, लेकिन उसे अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया गया और महिला पर अपना जाल बिछाने लगा जिससे उसे बड़े अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए पैसे भी मांगे और फिर फोन पर महिला से बातचीत करने लगा और बातचीत ऐसी जिसे सुनकर किसी के भी कान को ये विश्वास नहीं होगा कि एक अधिकारी अपने पद का इस कदर दुरुपयोग कर सकता है। दरअसल महिला ये बात किसी को बता भी नहीं पाती थी, लेकिन जब उसके सब्र का बांध टूटा तो उसने अपनी बात सबके सामने रखने के लिए अपने भाई की मदद ली। मोबाइल फोन में ही आवाज रिकॉर्ड की गई। दोनों के बीच की बातचीत फोन पर रिकॉर्ड हुई और महिला सीधे इस मनचले अफसर की शिकायत लेकर एसपी के दफ्तर पहुंच गई। कल इस नंबर पे बात कर लेना। फिर हमने उनकी लाने नंबर लगाओ, बात करी, सुबह कहाँ लगे के आपके तो हम आपकी सूरत पे चेहरा पे आपकी बॉडी हमको तो कहा बहुत गर्व है और बहुत बाहर और हम आपके अब तो बस में हैं, चाहे जो करवा लो आप काम हम सब कुछ कर सकते हैं। तो कहले आपकी पति कहाँ है? हमने कि पति तो हमारे वृंदावन में है और हम अकेली हो रहा था, सर जी परेशान ना करो हमारे लाने। कहने लगे नहीं आप तो आ जाना दमोह, हम सब काम कर देंगे, रसोई इंजन के खाते में पैसा भी डलवा देंगे। हमारे रसोई इंजन को एक डेढ़ साल से पैसा रुका है सर जी। मिडिल मील बनाने वाली महिला की शिकायत एसपी ने सुनी और वो रिकॉर्डिंग भी सुनी जिसमें मंचले परियोजना अधिकारी अशोक राठौर ने महिला से अश्लीलता की भी हद पूरी कर दी। पुलिस से टेप की गई ऑडियो साइबर सेल को सौंप दिया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये किस फोन नंबर से आए कॉल की रिकॉर्डिंग है। साथ ही ये भी जांच करवाई जाए कि आवाज किस शख्स की है। इस मामले में कोतवाली थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और महिला की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करने वाले अधिकारी की तलाश शुरू कर दी गई है, लेकिन अशोक राठौर अभी तक फरार है। साइबर सेल के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस नंबर से किस नंबर पर फ़ोन करके ये बातें कही गई हैं और वो ऑडियो जो मैंने भी सुना हुआ है उसमें बहुत ही अश्लील है वार्तालाप, और वो साइबर सेल के माध्यम से क्लियर करके उस व्यक्ति का जिसका नाम आया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी भी करेंगे। लखनऊ के सराफा बाजार में कल हुई डकैती की बड़ी वारदात के मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली है। सोमवार को शोरूम के DVR से 1 घंटे का एक और फुटेज मिला है। इसकी मदद से
डकैतों के फोटो बनाए गए हैं। दो तीन दिन पहले की रिकॉर्डिंग हासिल करने की कोशिश कर रही है। इससे घटना से पहले रकी की पुष्टि भी की गई है। इसके साथ ही चौक में लगे मोबाइल टावर का डेटा भी निकलवाया गया है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आए तीन डकैतों के फोटो जारी किए गए हैं और उन पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। रेलवे अपनी कमाई बढ़ाने के लिए 1,000 से ज्यादा ट्रेनों पर एडवर्टाइजिंग के लिए ऑक्शन करने जा रहा है। ऑक्शन की प्रक्रिया अगले हफ्ते शुरू होगी। रेलवे में एडीएस बाहर के मुकाबले काफी सस्ता है। रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन से यात्रा करते हैं और ऐसे में कंपनियों को प्रमोशन के लिए इससे अच्छा माध्यम नहीं मिल सकता है। टेक्निकल बिड बुधवार को मंगवाई जाएगी जो कि पूरे महीने तक चलेगी। रेलवे ने शताब्दी राजधानी जन शताब्दी गरीब रथ सुपरफास्ट ट्रेन पर एडवर्टाइजिंग के लिए बोलियां मंगवाई हैं। ट्रेनों में एडवर्टाइजिंग के जरिए रेलवे को 1,000 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद है। टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्शन एक्ट सोर्स को लेकर ऑनलाइन वेंडर्स और ई कॉमर्स कंपनियों में मतभेद खड़ा हो चुका है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट स्नैपडील जैसी ई कॉमर्स कंपनियों ने जीएसटी में टीसीएस क्लोज हटाने को तो जो क्लॉज है इसको लेकर की आपत्ति लगाई गई है और इसको हटाने के लिए कहा गया है। ई कॉमर्स कंपनियों की दलील है कि टीसीएस से मार्केट प्लेस के कम मार्जिन पर असर पड़ेगा। टीसीएस क्लॉज हटाने को लेकर के अमेजॉन ने ऑनलाइन वेंडर्स को सर्वे भरने के लिए कहा है, लेकिन ऑनलाइन वेंडर्स इसके खिलाफ है। ऑल इंडिया वेंडर्स एसोसिएशन यानी कि AIOVA ने कहा है कि उन्हें टीसीएस भरने में कोई दिक्कत नहीं है। AIOVA के मुताबिक ई कॉमर्स कंपनियां जबरदस्ती टीसीएस हटाने पर जोर दे रही हैं। आप बता दें कि जीएसटी क्लॉज के मुताबिक वेंडर्स को हर ट्रांजैक्शन का 2% टीसीएस को सरकार को भरना होगा। हालांकि वेंडर्स का कहना है कि इससे उनके सेल में ट्रांसपेरेंसी आएगी और इससे उन्हें फायदा ही होगा। मलेशिया में इंडियन ओवरसीज बैंक अपना कारोबार समेटने जा रही है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बिजनेस में भारी गिरावट की वजह से इंडियन ओवरसीज बैंक मलेशिया में अपना कारोबार समेटेगी। सूत्रों के मुताबिक बैंक की मलेशिया ज्वाइंट वेंचर में हिस्सेदारी बेचने की योजना है। इंडिया इंटरनेशनल बैंक मलेशिया ने की IIBM में ओवरसीज बैंक की 30% हिस्सेदारी है। मलेशियन JV में बैंक ऑफ बड़ौदा और आंध्र बैंक भी शामिल है। JV में बैंक ऑफ बड़ौदा की 40% जबकि आंध्र बैंक की 25% हिस्सेदारी है। मलेशियन सेंट्रल बैंक से इस JV को साल 2010 में लाइसेंस मिला था। साल 2017 में महंगे फोन्स के नाम रहेगा। इस साल गूगल, एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियां बाजार में रिकॉर्ड तोड़ महंगे फोन लॉन्च करेंगी जिसकी कीमत 70,000 से शुरू हो सकती है और वहीं इन फोन्स के टॉप वर्जन की कीमत 1,00,000 रुपए तक रह सकती है। और इसी महीने की 29 तारीख को सैमसंग अपनी फोन गैलेक्सी S8 लॉन्च करने जा रहा है जिसकी कीमत 70,000 रुपए के करीब रहने की उम्मीद है, जबकि iPhone 8 और गूगल पिक्सल 2 साल के अंत तक सितंबर महीने में लॉन्च होंगे। आईफोन 8 की कीमत और गूगल पिक्सल 2 की कीमत 75,000 से ज्यादा रहने की संभावना है। इन फोन्स के फीचर्स, डिजाइन और हार्डवेयर में भी काफी बड़े बदलाव हैं।